सो है गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप इस तरह की एच डी आर ब्लैक इफेक्ट वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी अपने वेन ऐप में जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड पर चल रहा है। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिना स्किप करा एंड तक देखना है। तो बिना कोई टाइम हो इसके वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसके साथ पहले आपने अपने वेन ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं ऐसे अपने वेन ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड नीचे आपको एक प्लस मिलेगा, तो आपने इस प्लस पे एक बार टाइप कर देना है एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे एक बार आपने टाइप कर देना है एंड यहाँ से अपने गैलरी से अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे अपने वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो ऐसे हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ सिंपल सा वीडियो, अभी यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ। तो अभी हम यहाँ पर एच डी आर ब्लैक इफेक्ट लगाएंगे। तो आपको नीचे मिलेगा फिल्टर्स, तो आपको फिल्टर्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से फिल्टर्स के आगे मिलेगा एडजस्ट, तो आपको एडजस्ट पे एक बार क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इसका एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देना है, आई थिंक 5 या 6% एंड इसके बाद आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कर देना है एंड कॉन्ट्रास्ट को आप यहाँ से बिल्कुल बढ़ा देना है 100% एंड इसके बाद आपको मिलेगा ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस को हल्का सा कम, तो इतना सही है एंड इसके बाद आपको मिलेगा सैचुरेशन एंड सैचुरेशन को हल्का सा आपने बढ़ा देना है, सो इतना सही है। इतना होने के बाद आपको मिलेगा HSL, तो ये रहा HSL, तो आपको HSL पे क्लिक कर देना है एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड ग्रीन का आपने ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देना है एंड इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस एंड इसका लाइटनेस भी बिल्कुल माइनस कर देना है। सो इसके बाद आपको ब्लू का कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड ब्लू का भी आपने यहाँ से ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देना है एंड इसका भी सैचुरेशन बिल्कुल माइनस एंड इसका लाइटनेस भी माइनस। सो इसके बाद आपको डार्क ब्लू पर क्लिक कर देना है एंड इसका भी आपने ह्यू को बिल्कुल माइनस, सैचुरेशन बिल्कुल माइनस एंड इसका लाइटनेस भी बिल्कुल माइनस। सो इसके बाद आपको इस वाले के कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका आपने सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है एंड इसके बाद इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका आपने यहाँ से लाइटनेस को हल्का सा कम कर देना है एंड इसका सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा देना है। सो इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा येल्लो कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड येल्लो का आपने यहाँ से सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना एंड इसका ह्यू हल्का सा माइनस। सो इसके बाद आपको यहाँ पर लाइटनेस को यहाँ से कम कर देना है। सो इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है एंड ऑरेंज का आपने यहाँ से लाइटनेस को बढ़ा देना है एंड इसका आपने सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देना है एंड इसके बाद आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड रेड का भी यहाँ से लाइटनेस को बढ़ा देना है एंड इसका आपने सैचुरेशन हल्का सा कम। सो आई थिंक इतना सही है एंड इसके बाद यहाँ पर शार्पन पर क्लिक कर देना है एंड शार्पन को अपने वीडियो के हिसाब से बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, तो मैं यहाँ से आई थिंक 8% रख देता हूँ एंड इसके बाद आपको हाईलाइट्स मिलेगा, तो हाईलाइट्स को आपने हल्का सा बढ़ा देना है। सो आई थिंक इतना सही है। इतना होने के बाद आपको मिलेगा फिल्टर्स, तो आपको फिल्टर्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने कोई सा भी फिल्टर चूज़ कर लेना है जिस पर आपका वीडियो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, सो आई थिंक मेरा यहाँ पर ये सही लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे से एच डी आर ब्लैक इफेक्ट लग चुका है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। सो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एच डी आर ब्लैक इफेक्ट वीडियो बना सकते हो अपने वेन ऐप में। सो इतना होने के बाद आपको वीडियो को सेव करना, सेव करने के लिए आपको ऊपर मिलेगा एक एरो, इस एरो पर आपने एक बार क्लिक कर देना है एंड नीचे से आपने डन कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। सो गाइस आज के लिए बस यही तक, मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में।